चंद्रांगुटा इंस्पेक्टर साहब से बात हुई। क्या बोले? क्या बोले? नहीं देते बोले वो जमीन, वो नहीं पहले जाके किससे मिले देते बोल के शाम में बोल लिए, फिर सुबह में फोन करके बुलाए देते तुम्हारे को जमीन। तो तुम बोल रहा था मेंबरशिप है ऑलरेडी हमारे पूरा, अब एरिया के बाहर है वो, एरिया के बाहर तो पहले रूल आपको देते, आपको देते नूरान मस्जिद के नहीं देते, यहाँ नहीं देते बार हमारा हड़बड़पुरा वहाँ है बरकत में, इनके बाबा है, भाया है, मेरे वालिद साहब है, मेरे वालदा है, पूरा वहाँ है, मेरा भी कार्ड है वहाँ पे। पीएस को आए, पीएस को आके सर्कल साहब से बात करे बात, फिर कमेटी वालों को बुलाए, बुला के बात करे तो वो वहाँ भी बोल रहे, तो उन्होंने बोले मैयत है, फिर लोग जो भी तशवा करना है बाद में करना था, मैयत को तो दे दो जगह, तो उन्होंने बोले वहाँ नहीं दे सकते, देना है नूरान मस्जिद का नहीं दिखे। आप बोलना था परसों आज को आठ दिन फिर घोड़ी थे मैयत कैसे आई बोल के, उसको बात ही नहीं सुन रहे भाई, नहीं घोड़ी थे आई ना फिर मैयत बात ही, पहले नौ महीने पहले मेरी वालदा को खुद दफनाया हमें, जब नहीं वो आज अब नया कानून है एक साल से कानून, नहीं क्या वजह से नहीं देते बोल के बोले उन्होंने एक साल से कहते, एक साल से कहते उनके अब नए आदमी को नहीं देने का। हाँ और ये मैयत परसों आज को आठ दिन इतवार के दिन 8 बजे तीन गोड़ी से मैयत आई थी तो दफनाए फिलीद रगा में, अब जो है ये मेरे मामू है इसलिए किस लिए जगह नहीं दे रहे इसकी वजह नहीं मालूम, मैं एरिया से बाहर नहीं हूँ, मैं बारकस से हूँ, तलाला गुलाम मस्जिद के पास मेरा मकान है, आगे दरियाफ्त कर सकते तो करो, नहीं तो क्या वजह से जगह नहीं दे रही वो मैं आगे इंशाल्लाह बात करूंगा जो भी हमारे चाचा सब मिल गए लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करे, कहाँ की कमेटी है? यहाँ बाजार में मैदान के सामने जो है एक्सेप्ट नहीं करे सभी खैर में, ठीक है भले भले हम लोगों को इजाज़त नहीं है, एरिया के बाहर है तुम्हारा पुलवाक का है और जवाब बड़ोल के पास ने सदर साहब के पास जाके इजाज़त ले किया, मोहसिन कचहरी के पास में भी गए उन्होंने जो है पेपर देख के करके एक्सेप्ट करे, हसन बेग भी दिखा बोले सॉरी, तो बहरहाल उन्होंने मिले सिटी गए थे ये वो बात हमें बराबर कोशिश करे शाम तक जो है ना जवाब मिल गया कि ओके भाई जगह मिल रही बच्चे, हम लोग जो है ना दिलासे से आगे भाई चलो खलास और भाया भी आने वाले थे बाहर से तो हम लोग खामोशी से आगे कल तस्वीर देना जो भी सुबह देख लेंगे, और सुबह जब मकान तैयार करोगे तो जवाब आया कि भाई तुम लोगों को जगह नहीं मिलती, ये क्या बात हुई, नहीं देना है तो कल ही बोल देना था नहीं देते बच्चे। ये जो आप लोगों के संगत जब हुआ ये कैसे पहले भी कभी हुआ है? नहीं कभी नहीं भाई, अभी कितने दिन से बॉडी यहाँ पे? दो दिन से बॉडी रखी है, हमारे दादा वहीं से, दादा वहीं से, भाया बहना भी मेरे देखा जो हमारे कुकू लोग जितने भी पूरा हड़वाड़ है पैसों का डिमांड करे या नहीं फिर बड़े खबर रोक दो भाई, रिक्वेस्ट करे भाई खुदा की कसम बहुत रिक्वेस्ट करे सिर्फ एक चांस, और अभी भी जो है ना वो बात याद करके मेरे को बहुत अफसोस हो रहा है क्योंकि मेरे को जगह नहीं मिली है, इतने साल का रिकॉर्ड है हमारा 60-70 साल का कार्ड लेके देख सकते हैं आप, लेकिन जो है ना जगह नहीं दी और पुलिस कंप्लेंट भी दी हम लोग, आखिरी स्टेप वही था हम लोगों का, और सरकार साहब भी बोले दुनिया का उनको वगैरह भाई दे दो खलास लास्ट चांस है, यही भी ये नई जगह भी नहीं होना बोले हम लोग भाई, दादा की जो खबर है पुरानी हो गई 40 साल ठीक है उसमें हम लोग दफन कर लेते भाई खोल के, वो जगह देखो तो नहीं देते यहाँ देते बोले जो छोटा खबर स्थान कमेटी के बड़े कौन क्या नाम है क्या है कि बड़े लोग जो भी है जब इंतकाल होगा हमारे खलेर भाई है तो हम लगा जाए कि जो सो सभी खरे में बोले हुए हैं कि भाई हमारे को एक चांस दो, दो दिन होगा इंतकाल हो के तो लगा बोले कि भाई आप लोग हद के बाहर है अपने मुबारक फंक्शन हॉल से लेके अपने जो एरागुंटे के जो 12 मलिया हैं वहाँ से लेके अपने चंद्रांगुट्टे तक उनका हद है कहते बाकी का जो बल्ला गुले का लगता वो हद उनका नहीं है, तो अब हम लोग जाना तो कहाँ जाना, हम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं मीडिया वालों से जो सो हम लोग ये रिक्वेस्ट करेंगे मीडिया वाले जो सो हम लोगों को हेल्प करो और मदद करो, ये जो सो हर जगह में हम लोगों को पहुँचाओ कि जो सो तकरीबन हमारे भाया खलेरे है सगे भाया है तकरीबन मेंबर है हम लोग का और जो सो 30 रुपये से हम लोग का जो सो भल्ले त्यौहार है रसीदा रखे हुए ऑलरेडी अगर बतला बोलते हम लोग इंशाल्लाह शो करेंगे, बट हम लोगों को ये होना कि भाई हमारा हक हम लोगों को मिलना चाहिए, आज हमारे भाई की ऐसा हुआ कल मेरा होता कल और दूसरों का होता कल मेरे बच्चों का होता तो हम लोग का जाना तो कहाँ जाना, क्या हम लोग का जमीन लेके बना लेके हमारा का हलवड़ा अलग लेना क्या, तो अगर हम लोग को बोल दिए तो इंशाल्लाह हम लोग वो भी करेंगे, हमारे को ऐसा कुछ नहीं है कि वही कब्रिस्तान में बल्कि नहीं है क्योंकि हमारे वालिद साहब है वालदा है दादी है दादा है खालू है खाला है
बहना है, बहनों के बच्चे है, उस वजह से हम लोगों को रिक्वेस्ट है कि भाई हम लोग एक दफा जाएंगे तो पूनम को फूलन चढ़ा सकते। अगर ऐसा अगर आप लोगों को मैं नहीं है तो आप लोग बोल देना था काट के खुद, इंशाल्लाह हम लोग खुद इससे हम लोग पैसे डाल के हम लोग खुद इससे अलग जमीन लेंगे, हम लोग खुद इससे हम लोगों का हड़वाल अलग करेंगे। बस आप लोगों से ये मीडिया वालों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह ये बात को जो सा उठाने की कोशिश करो। आप ये किसी से बात हुई अखबार वालों से किसी से? वही बात करे उन लोग यही सवाल करने के भाई हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि आप लोग हद के बाहर है। हाल ही में जो एक बयान हुकूमत की तरफ से बात है कि जो फ्री कब्रिस्तान में, जो कब्रिस्तान में फ्री नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं साहब, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। उन लोग बोल रहे हैं कि भाई हम लोग पेपर जो सो बांट रहे हैं, अब भाई किसको बांट रहे हैं वो क्या है हम लोग को अभी तक तो मालूम नहीं है। जब भी हम लोग रमजान में जाके पूछ रहे हैं भाई पैसे बनना नहीं बनना, कि भले अभी तक कुछ भी नहीं है, इंशाल्लाह जब हुए खुद हम आपको कॉल करेंगे। मेरे को एक बार आया कॉल, मैं 300 रुपये भरा हुआ हूँ, उसकी रसीद भी मेरे पास है, उसके बाद से तो अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया मेरे को, ना कुछ बोले नहीं या कुछ करे नहीं। तो लिहाजा भाई कि हमारे भाइयां बहुत है, आज हमारे भाई का होगा कि दो दिन से ऐसी मौत है, कल सुभान अल्लाह मेरा होता तो मेरे को भी ऐसी दो दिन रखेंगे तो फायदा क्या है भाई, क्योंकि हम मुसलमान है। क्यों मुसलमान, मुसलमान का भाई तरीका होता है कि भाई आदमी आदमी से मुसलमान को वो करना, मोमदिल बोलते हैं, पर मोमदिल नहीं है भाई, वो वक्फर से हम अपील कर रहे हैं कि भाई आप लोग जो सा हमारी मदद करो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। और मीडिया वालों से भी बोल रहे हैं कि भाई आप लोग भी ये जो सो बात को उठाओ, आपका भी शुक्रिया होता। बस इससे ज्यादा खुदा हाफिज़।